Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. तो मैं तो इतनी जल्दी उठ के भी एनर्जेटिक होती हूँ, बट यहाँ पे आप चेक करें हालात. एनर्जेटिक का मसला नहीं है, बहुत ठंड है भाई. 8-9 डिग्री हो रहे हैं इस टाइम. सुबह के 5 बज रहे हैं. जिंदगी में पहली दफा हम टाइम पे नीचे आए, 5 मिनट लेट. हम 5 मिनट सिर्फ लेट थे, हम 5:30 का टाइम था. पहले सबसे पहले तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. उसके बाद आपको डिटेल बताते हैं, क्योंकि आज आप लोगों ने डेटा से देख लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं कैपेडोकिया. एंड आपकी बहन रेडी हो गई है फटाफट. मैंने आज 15 मिनट में मास को रेडी होकर दिखाया. मास मानो हो है ना कि नहीं? मास झूठ नहीं, मास नहीं, मास कितने बजे उठी हूँ? नहीं नहीं, मैं 4 बजे उठना शुरू हुई थी, 5:05 थे. मैंने कहा नहीं, इससे लेट हुआ ना तो मेरी आंख लग गई और गया पैसे और गया सनसेट, सॉरी सनराइज, सब कुछ गया और हम लोगों ने देरी रह जाए. तो मैंने सिर्फ वो सोच के बलून्स के लिए जा रही हैं. सुबह के 5:30 हो रहे हैं और टैक्सी हमारी टाइम से आ गई थी, हम लोग अब निकल पड़े हैं. सो अब वहाँ जाके ही मिलते हैं और सूरत हाल देखते हैं कि सुबह सुबह कितना रश है सिर्फ हॉट एयर की वजह से. वहाँ जाके मिलते हैं. तो गाइस ये बलून जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं भरना. और ये चेक करें मौसम, वहाँ मेरे सारे मट्टी चली गई. मैंने स्लीपर्स पहने हुए हैं यार. ओह शिट, यहाँ पर तो सारी सारी सैंड है. यार कितने बड़े बैलून्स हैं, मस्त बड़े हैं, तभी नजर आते हैं ना ऊपर से. ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू यार, बहुत है लेकिन मजा भरा आने वाला है यहाँ पे. बैलून्स देख सकते हैं कितने बड़े हैं ये साइज में. वैसे देखने में ऐसे तो लगता है छोटे छोटे हैं, लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा है, चेक करो यार. बहुत बड़े हैं, शायद कैमरा में इतने ना लग गए लेकिन असल में बहुत बड़े हैं. लो जी बलून अपने सफर के लिए स्टार्ट होने लगे, चेक करें. ओए होए होए, क्या सीन नजारा है यार. तो नीचे आ गया, ये बलून डॉग भाग रहे हैं. ये बलून नीचे आ गया, शिट. तो लोग भाग रहे हैं उसको यार, लोग नहीं रहा, वो एंजॉय कर रहे हैं. आ गया ऊपर. ओहो चेक तो करें. लो जी स्टार्ट हो गए हैं ये. एक्सीलेंट जॉब, क्या बात, आपको अवार्ड दिया जाएगा. इनको कोई अवार्ड नहीं मिलना जिन्होंने इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह सुबह ठंड में. बट द सीन इज एवरीथिंग. पैसे पूरे हो गए, अभी तो मजीद होंगे आगे जाके. लो जी लोगों का रास्ता चेक करें, सिर्फ लोन देखने के लिए. इनको भी नहीं मिली होंगे टिकट्स वगैरह, क्योंकि ये सारे 3 दिन तक के लिए बुक हैं. लेकिन सीन्स के सारे पैसे, मैंने तो भाई पैसे पूरे कर लिए अपने. लो जी हम आ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लव वैली. यहाँ से व्यू ज़रा अच्छा मिल रहा था तो ड्राइवर ने कहा कि लव वैली जाएं. अब लव वैली आ चुके हैं तो अभी जाके इधर से कोई जगह चेक करते हैं, फिर पिक्चर लेते हैं, क्योंकि अभी तक मनाज सेटिस्फाई नहीं हो रही पिक्चर से. मानो अगर ये यहाँ पे टकरा जाए नीचे गिर जाए तो इधर तो फुल शादी वाला सीन होना है. हर दूसरे बंदे ने शादी करवा के यहाँ पे आया फोटो शूट के लिए. टाइम आ चुका है सनसेट होने का, सब लोग इसका वेट कर रहे थे. यार मैं तो फैन हो गया जगह का, फैन हो गया हूँ मैं तो. वेल तुम्हें कैसी लग रही जगह? बहुत प्यारी माशाल्लाह, हसीन. वो जी बलून अपने अहतमाम पदीरे पहुँच रहे हैं सारे. अब ये सारे बलून उतर रहे हैं तो ये सिर्फ 1-1.5 घंटा उठते हैं तो पूरे दिन में. और अब हम जा रहे हैं, हमारी टैक्सी खड़ी हुई है, भाई जान बिल्कुल हमारा वेट कर रहे हैं. लेकिन हम इनसे कहते हैं एकदम हमारी वीडियो या पिक्चर बना दो प्लीज, थैंक यू. तो कोशिश करते हैं, कैन यू प्लीज टेक आवर पिक्चर और वीडियो, थैंक यू. हाँ मन्ना चलें फिर. लो जब हम जाने लगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमने रात को कैपिडोशिया से हमने इस्तांबुल की तरफ निकलना है.
ओए अल्लाह जी थक गए हम। ओके दिस फास्ट फ्यूरियस। ओह माय गॉड। आई मीन दैट चिकन। वी डोंट नीड दिस। वी डोंट नीड दिस। फास्ट। इतना फास्ट। अब हमने पिक्चर देखी भी नहीं है। तो यहाँ तक था हमारा कैपेडोकिया का सफ़र और बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया, बहुत ही पीसफुल मज़े की। और जिसने जो मतलब वहाँ पे अगर जिसने फील कर लिया ना उस जगह को, समझो कि बस ऐसे पूरे कर लिए उसने वहाँ पे जाकर। कैमरे में वो चीज़ नहीं आती जो चीज़ उधर खड़े होकर व्यू देखने की आती है। सही बात है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ जाके नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं वहाँ पर जाके इंशाल्लाह। नाश्ता दिखाऊंगी मैं कितने मज़े का टर्किश खाना वो देते हैं आपको। नाश्ता सॉरी मैं कल भी किया था लेकिन कल हमने मेरे से व्लॉग नहीं किया है ना सुबह के टाइम। हाँ हमने कल नाश्ते में व्लॉग नहीं किया लेकिन आज मैं आप लोगों को नाश्ता दिखाऊँगी इतने मज़े का। होम मेड सब कुछ वो रेडी करती है, हस्बैंड वाइफ वो होटल रन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मज़ेदार किस्म का नाश्ता। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तब तक के लिए हमारे साथ सीन्स कुछ ये हैं। होटल पहुंच गए हैं लेकिन यहाँ पे सब कुछ ओपन है और लेकिन सब सो रहे हैं अभी तो, यहाँ पे कुछ भी हम नहीं खा सकते और भूख लग रही है। चलो ऊपर चलें, पहले पैकिंग कर लेते हैं फिर नाश्ते करते हैं। चलो हम पैकिंग करते हैं क्योंकि हमने आज वापस इस्तांबुल के लिए निकलना है। तो अब हम पैकिंग करते हैं, जब तक उठ जाएंगे वो तो फिर हम नाश्ता कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड आदन। अरे मुझे बड़ी नींद आ रही है, सो के उठ गए। सेम, हम लोग आए थे, इनका 8:30 ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है, हम लोग तकरीबन 7:45 पहुँचे हैं, 7:45 तो ये लोग अवेलेबल नहीं थे। तो फिर हम लोग सो गए थे। तो जी ये चेक करें ब्रेकफास्ट इनका। wow! बहुत ही अच्छा फ्रेश ब्रेकफास्ट होता है। बस इन मिर्चों के अलावा मुझे हर चीज़ पसंद है। पता नहीं मिर्चें क्यों रख देते हैं इसके अंदर यार, वो सुबह सुबह रखते हैं इसीलिए। हाय, गुड मॉर्निंग। एग, अभी अभी बाजी कुछ रखी गई है, इस लाइक पराठा लग रहा है, चीज मजे का है जो भी है। और आप भी नाश्ता कर लें, अब हम मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही। नाश्ते के बाद थोड़ी सी एनर्जी आएगी तब हम बोल सकेंगे। बहुत नींद आ रही है और बहुत ही मज़े की धूप है। मिनायल के हाथ में ना कोई कांटा था ना, अंदर चले गए। ज़ैनब हेल्पिंग। डॉक्टर तो फुल ऑपरेशन चल रहा है मिनायल का, निकल आएगा उम्मीद है। फुल ऑपरेशन सीन होना है मिनायल के, है मिनायल with Dr. Zainab. बालों में उसे उंगली काट दो। He said cut his finger, cut her finger. निकल ही नहीं रहा। निकल आया बस। तो जी उससे तो प्रेशर नहीं हुआ, मैंने कहा तो बड़ा गंदा चले गया बंदा, उस टाइम में कहा जा रहा। गाइस तो हमारा जो व्लॉग था वो सुबह उधर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग पैकिंग शेकिंग की, चेकआउट का टाइम था, सब कुछ सामान वगैरह रखा। अब हमें फिर से भूख लगी क्योंकि तकरीबन अभी बज रहे हैं 3:41, तो 3:41 बज रहे हैं और अब हमें फिर लंच का टाइम हो गया था। हम फिर यहाँ पे खाने आ गए, खाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, पिक्चर लेते हैं, बस हमारा दिन गुजर जाता है। थक गए इस रूटीन से, हमें काम करना है, हमने घर जाना है, बहुत ज़्यादा काम पड़ी हुई है वो करना है। अब कल से वही रूटीन इंशाल्लाह शुरू हो जानी है। तो बस ये आज और कल का एक दिन रह गया। तो बस अब हम ये खाने लगे हैं, इन्होंने थोड़ा सा कच्चा पासा दे दिया लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे लोग अनकुक फूड ही खाते ज़्यादा। और बर्गर इनका मज़े का और पासा थोड़ा सा कच्चा है बट इट्स गुड, लेकिन है मज़े का। खाना खा के हमने कहा कि अच्छी तरह उसको हज़म करें, तो वो ऊपर से हम चलते हुए आए हैं, वहाँ से चलते 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 यहाँ पे आ गए हैं और अभी मज़ीद आगे चल रहे हैं। माँ साहब को फुल एडवेंचर करने का हुआ है तो मैंने कहा ठीक है आज कर ही लेते हैं एडवेंचर, क्योंकि लास्ट डे हमारा कैपेडोशिया में, तो हमने कहा अच्छी तरह एडवेंचर कर लें। और यहाँ पर बड़े मज़े मज़े की जगह है, डर लगता है सही वाला, चीज़ ना निकल गया एकदम सारा मट्टी का। देख
जी सीधा निचले पोर्शन में यहाँ से लोग जाते ही होंगे सही बात है कितना हसीन लग रहा है अल्लाह की तरफ से ही है ना हर चीज पर हमें किसी और ने भी ज्वाइन किया यहाँ पे ये अंकल ही है ना मौत मेरे साथ रहो तो बाबा जी तरफ फॉलो कर जा रहे हैं बाबा जी बिल्कुल केव के अंदर आ चुके हैं ये बड़े मज़ेदार जगह है ना अब मज़ा आ रहा थोड़ा थोड़ा वो देखो वो देखो लोग सारे ट्रैक करके नीचे जा रहे हैं हमने शूज दूसरे पहने हैं ना हम वैसे निकले तो फिर हम इधर आ गए जगह नीचे रास्ता ना तो रहा मैं चलो यहाँ पे चलते हैं वो लव वैली आ गई ये फिर लव वैली आ गई मैं बाबा जी का वेट कर रहा हूँ बाबा जी बैठ ही नहीं आए अभी तक बाबा जी बेटा हमें वापस लेके जाएंगे साथ अपने ना उसे बहुत ही डरावनी चीज लग रही थी वो तो से यार वो जो नहीं आती थी टॉम एंड जेरी में जो झाड़ू पे बैठ के आती हाँ 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 सेम वो लग रहा था बाबा सबसे लेकिन जो व्यू है ना वो ऊपर जाने का दिल कर रहा लेकिन हिम्मत नहीं है शूज भी दूसरे हैं थक भी गए हैं आज तो फुल हैकिंग वाला सीन हो गया हैकिंग वाला हम वहाँ से ये जगह देख रहे हैं यहाँ से हम यहाँ तक आ चुके हैं इसके फिर पास बस फिर ही जा रहे हैं इसी एरिया में आज पूरा दिन हो गया हमें है ना ना मज़ा आया प्यास लग गई है चप्पल तो लग नहीं है मैंने साहब चप्पल में हाइकिंग आ रही है मैंने फिर थोड़ी कुछ शूज पहने हुए हैं मैं थक गया हूँ और माज बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं माइग्रेन मेरा भी बहुत ज़्यादा हेड एक हो रहा है सर दर्द हो रहा है सर दर्द बोलने लगी थी हेड एक नहीं अभी भी हमारे हम बहुत टाइमली हर चीज़ कर रहे हैं माशाल्लाह यार आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर किया है ठीक है क्योंकि हम लोग डर गए खुदा ना आज तक फ्लाइट डिले हो गई तो बस हमारी फ्लाइट आने वाली है फिर प्लेन में जाके मिलते हैं आपसे ठीक है हम लोग इधर इसलिए बैठे हुए हैं कि जो उनको लग रहा है ना कि सही बात है जगह ही नहीं थी पर हम खड़े हो गए थके हम इसलिए इधर ही बैठे हैं